तो मैं ले रहा हूँ भाई इसको रोटी के साथ, इसके साथ आगे भाई चार रोटी। तो फिर स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में, और आज मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ पटना के विजय होटल में। अभी अपना यहाँ पर बनने वाला है कलेजी बनने वाला है। कितना किलो बनेगा? 3 किलो कलेजी बनने वाला है भाई सामने। वैसे तो आपने भाई पूरा मटन हर जगह बनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी स्पेशल कलेजी बनते हुए देखा है? ये देख लो, सबसे पहले इसके अंदर आ गया सरसों का तेल, ये देख लो, ये आ गया 3 गिलास। तो भाई देख लो सरसों के तेल को जब अच्छे तरीके से गर्म कर दिया, और अब ये जा रहे थे प्याज, ढेर सारा प्याज डाल दिया भाई इसके अंदर। अब इसको भूनेंगे भाई कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक। ये आ गया हल्का से तेज पत्ता, और ये कर दिया भाई स्पष्ट घंटे के लिए। इसको टोटल कितना टाइम लगता है बनने के लिए? अच्छा आधा ही घंटा लगेगा, ठीक है। अभी ये क्या जा रहा है? अच्छा ये आ गया भाई लहसुन का पेस्ट, प्याज देख सकते हो भाई गोल्डन ब्राउन कलर के ना अच्छे तरीके से आप रेडी हो गया। तेज पत्ता वगैरह का जो स्वाद है वो चढ़ चुका है, और अब इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हल्दी आ जाएगी थोड़ी सी, ये डाल दी हल्की सी हल्दी, ये क्या आ गया धनिया, ये आ गया हल्का सा धनिया पाउडर, ये आ जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। मसालेदार भाई सब्जी बनने वाली है, देख सकते हो भाई जो रेगुलर मसाले वो इतने सारे डाल रखे हैं ना। और अब जाएगा भाई थोड़ा सा पानी, टीशू देख सकते हो भाई वहाँ पर ना अपना जो कलेजी है वो भी आ रहा था। कलेजी कितना? 3 किलो ना, 3 किलो कलेजी आ गया। और यहाँ देख लो भाई ये सब प्याज को ना अच्छे तरीके से जो है मसाले के साथ मिक्स कर दिया गया, बढ़िया। और देख लो यहाँ से ना पीछे से कलेजी जो है उसको कर रहे हैं अच्छे तरीके से साफ, वो निकाल करके जाएगी सीधा। बढ़िया, वो क्या, वो कौन सा पीस था? अरे इसमें सिर्फ कलेजी बनेगा, पूरा का पूरा जो कलेजी रहता है ना वो डाल दिया भाई देख लो इसके अंदर। कलेजी मतलब लिवर होता है ना, ये देख लो हो गया पूरा खाली। तो भाई देख लो पूरा का पूरा जो कलेजी है वो खाली कर दिया। 140 रुपीज़ प्राइस रहता है इसका। जो ग्रेवी जो है भाई वो अच्छे तरीके से यहाँ पर पकना चालू हो चुकी है, और अब कर रहे हैं भाई देख लो इसको अच्छे तरीके से हमने। ये क्या आ गया? नमक। ये देखो भाई ये थोड़ा सा हिसाब से जाएगा, इसमें हल्का सा नमक स्वाद अनुसार क्या बात है। मतलब इसको भी कर दिया अच्छे तरीके से, बढ़िया। तो कलेजी तैयार है अपना? कलेजी तैयार है? टाइम है कलेजी हो जाएगा 8-10 मिनट तक जारी बनेगा। अच्छा भाई 8 से 10 मिनट में जो अपना कलेजी जो है वो रेडी हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ। ये क्या आ गया? अच्छा यहाँ जल का सा जीरा पाउडर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है बस बिल्कुल भाई सामने से पीस करके लाया हुआ है, इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग मसाला है देख लो अच्छे तरीके से भाई। और इतनी गर्मा गर्म अपनी सब्जी यहाँ पर रेडी हो रही है, घाप इसका रुक नहीं रहा है। एक बार एक पीस ऐसे उठा कर दिखाना, ये देख लो बढ़िया, ठीक है। अब इसको पकने का और कितना टाइम बचा? तो ये देख लो भाई ये जा रहा है इसके अंदर पानी, तो गर्म पानी जाएगा। ये देख लो भाई ये ऐड कर दिया इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि भाई ग्रेवी जो है वो अपने अच्छे तरीके से बन जाए, बढ़िया। अब दिखाता हूँ कि भाई ये पक के निकलती कैसे। अभी जो अपनी यहाँ पर कलेजी की प्लेट लग रही है उसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे प्याज डाल दिया गया, आगे मिर्ची और हल्का सा नींबू। तो मैं ले रहा हूँ भाई इसको रोटी के साथ, इसके साथ आगे भाई चार रोटी। तो यहाँ पर कलेजी देखो वो रेडी हो चुकी है, ये आएगा भाई इसके साथ 4 पीस, ये आगे 3, और ये चलिए दिखा लो एक बार खा लो। अच्छा ऊपर से ग्रेवी भी आएगी, रुक लो एक मिनट का। ये क्या गया? अच्छा ठीक है, तो
तो भाई यहाँ पर देख लो अपनी जो प्लेट जो है वो लग चुकी है, जिसमें चार रोटी और साथ में भाई एक कलेजी भी आ चुकी है, इसको लेवर कहते हैं। इसका कितना प्राइस रहने वाला है? 140 एक 140 रुपीज प्राइस रहेगा। विजय होटल, एक बार लोकेशन बता देना यहाँ का। लोकेशन अंटाघाट सब्जी मंडी। अंटाघाट सब्जी मंडी, तो ज़रूर से विजिट करना, बताना कि आपको लगा कैसा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लो।